तो ये फिंगर टेंडन इंजरी की वीडियो बन रही है, जिसमें इनकी जो फिंगर है ये ऐसी मुड़ी हुई है, ठीक है। इनका ऑपरेशन हो चुका है यहाँ से पूरा ये यहाँ तक, ठीक है। इनका ऑपरेशन लखनऊ में हुआ है और ये पेशेंट हैं जिनको 2 साल हो गए हैं और इनको 4 महीने हुए हैं। इनकी उंगली मुड़ो ऐसे, इनकी उंगली सिर्फ यहाँ से मुड़ती है, यहाँ से नहीं मुड़ती है, ऐसे स्ट्रेट करो। हाँ अब मुड़ो, नहीं अब मुड़ो उंगली को, तो यहाँ से नहीं मुड़ती है। तो इनके यहाँ पर छोटा सा कट लगा था, सिर्फ इतना छोटा सा कट जो कि दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इनका जब ऑपरेशन हुआ है, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ है। किस चीज़ में अच्छा ऑपरेशन हुआ है कि इन्होंने जो यहाँ की नसें हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी हैं और उसके कारण थोड़ा बहुत मूवमेंट है। मुड़ो इसको भी, मुड़ो इसमें ज़्यादा नहीं है लेकिन इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट है। लेकिन जब साइड से देखते हैं तो उंगली काफ़ी मुड़ी हुई है और 2 साल हो गए और यहाँ का जो भी एक घाव पूरा अच्छे से भर गया है। तो जब भी ऐसी कोई चोट लगती है तो उसमें एक्सरसाइज का काफ़ी रोल होता है, इमीडिएटली एक्सरसाइज करनी होती है और इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करी करने के लिए। कई बार बहुत सारी चीज़ें नसें होती हैं जो कि जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं होती, क्योंकि किसकी किस्मत कैसी है कुछ नहीं बोल सकता आदमी। लेकिन अब इनका जो प्लान है कि अब क्या करना चाहिए कि सर ये पूरा अपीरेंस अच्छी नहीं है और सर ये मूवमेंट भी कोई खास नहीं है और सर ये पूरी खुलती नहीं है, तो हम इनका एक्सप्लोर करके और जो भी अच्छा ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे, इसको ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप लोगों के लिए जिनका ऑपरेशन हो चुका होता है और उंगली ऐसी मुड़ जाती है, उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप खुलवा लोगे तो उससे कुछ बेटर होने के चांसेस हैं। तो ये उन लोगों के लिए कि जिनकी भी ऐसी होती है खुलवा सकते हैं। जिनकी उंगली ऐसी होती है और जो अंगूठे को पकड़ने में सक्षम नहीं है और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंडेक्स फिंगर, इसके लिए उसके लिए हम क्या कहते हैं कि सर यहाँ से खुलवाकर हमें ऐसा वाला ऑपरेशन करवाया जाए। लेकिन इमीडिएटली ऑपरेशन करना है, लेकिन उस टाइम ये इसको यहाँ तक भी टच कर ले तो अच्छा है, और जब स्ट्रेट हो तो पूरी स्ट्रेट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम इतनी मुड़ी भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है उंगली जरूर से ज़्यादा मुड़ी हुई है, अगर ये उंगली इतनी भी मुड़ी हुई भी होती तो मैं इनका ऑपरेशन दोबारा नहीं करता, लेकिन इनकी उंगली इतनी ज़्यादा मुड़ी हुई है और साथ में दूसरी भी मुड़ी हुई है, इसलिए इनका ऑपरेशन करने के लिए मैं हाँ करी है। और इनकी मैं ऑपरेशन करने के लिए हाँ इसलिए करी है कि इनकी उंगली बिल्कुल नहीं मुड़ रही है, बिल्कुल सीधी की सीधी है। तो इनकी अगर उंगली यहाँ से यहाँ तक भी आ जाए तो इनका सारा काम हो जाएगा, इसलिए इनका ऑपरेशन करने के लिए मैंने हाँ करी है। क्योंकि इनको सिर्फ 4 महीने हुए हैं और इनका ऑपरेशन करने के लिए इसलिए हाँ करी, इनको 2 साल हो गए हैं कि इनको जितना भी रिजल्ट आना था 6-7 महीने में आ जाता अगर, या 8 महीने या 9 महीने में आ जाता, लेकिन 2 साल में अब ये एक्सरसाइज से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, ऑपरेशन के बाद ही इसमें कुछ बेटर हो सकता है और वो हम इनके लिए करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है।